रोहतक में 12वीं क्लास के एग्जाम के दौरान मधुमक्खियों ने छात्रों पर अटैक कर दिया, जिसके बाद करीबन 2 दर्जन छात्रों को मधुमक्खियों ने काट लिया और वहीं काफी देर बाद मधुमक्खी शांत हुई और छात्रों का एग्जाम सुचारू रूप से शुरू हुआ। मधुमक्खियों के काटने से छात्र इतने परेशान हुए कि अपने बैग छोड़कर भाग निकले, जो घटना कैमरे में कैद हो गई। यहाँ पर जी बच्चों का पेपर था और मधुमक्खी ने अटैक कर दिया, ज्यादा मधुमक्खी ज्यादा बच्चों का लड़गी, बहुत ज्यादा बच्चों का लड़गी, पेपर में बच्चे कैसे देंगे। तो काफी चोट आई, ज्यादा चोट आई। तो कैसे हुआ ये अटैक? अपने आप उठ के लड़ने लगी। तो आज किस चीज का एग्जाम है, किसका है? मैथ का। किन का? प्लस टू। तो आपको भी? मेरा भी बहुत ज्यादा लड़ रही, अभी घूम रही। हाँ, अभी ऊपर के घूम रही। वहीं दूसरी ओर सिंहपुरा गुरुकुल के प्रिंसिपल कृष्ण कुमार का कहना है कि एग्जाम सेंटर में मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है और अचानक मधुमक्खियों ने छात्रों पर अटैक कर दिया, जिससे दरवाजे बंद करने तक की नौबत आ गई थी। बड़ी मुश्किल से मधुमक्खी शांत हुई और बच्चों का एग्जाम सुचारू रूप से चल पाया। हालांकि उन्होंने कहा कि एग्जाम में कोई रुकावट नहीं आई है और एग्जाम ठीक समय पर शुरू हुआ। यहाँ प्लस टू क्लास का बोर्ड का एग्जाम है, जैसे एग्जाम स्टार्ट हुआ कुछ मधुमक्खियों ने हमला बोला बच्चों पे, लेकिन धीरे धीरे वह स्मूथली अपने स्थान पर बैठ चुकी हैं। अब एग्जाम सेंटर बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल शांत माहौल है। कोई डिले नहीं हुआ एग्जाम? ना, कुछ डिले वाली बात नहीं हो पाई, क्योंकि सभी बच्चों का जो एग्जाम हो कमरों के अंदर ही है, क्योंकि मधुमक्खी तो बाहर थी, दरवाजे बंद कर दिए गए थे, तुरंत प्रभाव से मक्खी वहाँ से निकल चुकी है। जो बाहर से बच्चे आए थे वे मक्खियाँ तो उनके पीछे लगी थी, लेकिन वो भी बाहर बच्चे तो भाग गए और मक्खियाँ 2-3 बच्चों लड़ी भी यहाँ दाएं बाएं से, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है, शांत मधुमक्खी भी शांत और बच्चे यहाँ आसपास अब कोई नहीं। सही समय पर एग्जाम शुरू हो गया? हाँ जी, बिल्कुल सही समय पर एग्जाम सही स्टार्ट हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गौरतलब है कि मंगलवार को हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 12वीं क्लास का मैथ का एग्जाम था, जिसके चलते पेपर देने आए छात्रों पर मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया, जिससे पूरे सेंटर में अफरा तफरी मच गई। सत्य खबर के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।